सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा यूं तो आदिवासी बाहुल्य विधानसभा कहलाती है। इस विधानसभा में जनपद पंचायत लखनादौन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोड़ारी में पिछले एक साल से नल जल योजना बंद पड़ी है, जबकि ग्राम पंचायत बंद नल जल योजना का बिल भुगतान प्रतिमाह करते आ रही है। ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता पंचायत सचिव से जब इस पूरे मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बड़े ही हंसमुख अंदाज में कह दिया कि नल जल योजना चालू है, पर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक साल से नल जल योजना बंद है। ग्रामीण नाले, हैंडपंप और गंदे कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। अभी बिल पटा रहे हैं वे, और वे कह रहा है कि चालू है, जबकि चालू नहीं, बंद है। कब से? छह हो गई, एक साल करीब करीब, जिसमें पाइप लाइन विस्तार सही नहीं है, पाइप लाइन टूटी है, और जिसमें ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिसमें नदी नाला का पानी पी रहे हैं। एक बार मैंने शिकायत भी किया था कलेक्टर कहाँ जाकर, कलेक्टर से बोला था कि मेरी वाटर सप्लाई चालू नहीं है, सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कई बार बोला, तो मैं अभी ऑपरेटर हूँ वाटर सप्लाई का, और अपन ग्राम कोड़ारी इधर वाटर सप्लाई तो कुआँ है, वहाँ पे जेड नहीं है, तो पूरा पानी खराब हो जाता है। तो अभी कहाँ का पानी पी रहा है? आज मोगा का। मोगा का पानी वहाँ पे कुआँ है, वहाँ से सप्लाई नहीं होती, वहाँ सप्लाई नहीं होती तो वाटर सप्लाई। तो एक बार शिकायत भी की था मैंने सीमेंट प्लांट।